अगर आपके फ़ोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करते हैं, तो यहाँ से इस तरीके का ग्रीन बॉक्स शो होता है, ग्रीन आउटलाइन शो होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर भी आप टैप करें तो यहाँ से जो है वो ऐप ओपन नहीं होती है, सिर्फ ये ग्रीन बॉक्स शो होता है और आवाज़ आती है कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम क्यों आती है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आपके फ़ोन में टॉकबैक ऑन होने पर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कैसे हम टॉकबैक को ऑफ करेंगे, तो आप किसी भी आइकन पर यहाँ पर टैप करते तो इस तरीके से आपको सुनाई देता है, डबल टैप टू एक्टिवेट। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है, और ओपन करने के लिए सेटिंग्स को आपको यहाँ से सेटिंग्स पर टैप करना है और फिर यहाँ से डबल टैप करना है सेटिंग्स को ओपन करने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, टैप और फिर डबल टैप करना है। अब नीचे कैसे यहाँ पर स्क्रॉल करें, तो यहाँ आपको यूज़ करनी है टू फिंगर्स, ठीक है। इस तरीके से टू फिंगर्स के साथ स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना है इसी तरीके से टैप और फिर डबल टैप। अब इसमें आपको यहाँ से आना है एक्सेसिबल के ऑप्शन में, यहाँ पर टैप फिर डबल टैप। अब यहाँ से आपको टॉकबैक को ओपन करना है, यहाँ देख सकते हैं टॉकबैक ऑन है, तो इसी तरीके से टैप और फिर डबल टैप। अब यहाँ यूज़ टॉकबैक, यहाँ देख सकते हैं कि ऑन है ये, तो इसको यहाँ से आपको ऑफ़ करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप टॉकबैक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है, अब यहाँ से आपके सामने स्टॉप टॉकबैक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप पर टैप करना है, फिर डबल टैप, तो यहाँ से टॉकबैक ऑफ हो जाएगा और अब आप अपने फ़ोन को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं।